शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के आईटीआई के सामने की घटना है, जहां बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। परिवारजनों को चोरी की घटना का पता चलते ही जब पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी तो उन्होंने देखा कि घर के ताले टूटे पड़े हैं। चोर घर में रखा कीमती सामान समेत फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी पोहरी थाना पुलिस को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यहां फरियादी ने मंगलवार सुबह 12 बजे थाना पहुंचकर बताया कि 30 सितंबर को रात 1 बजे सो गए थे, तभी रात्रि 4:30 बजे पड़ोसी का फोन आया कि पूरी तरफ से कोई भागता हुआ दिखाई दिया है, आप अपने छत पर जाकर देखो। जब उठकर देखा तो दरवाजे और माली का ताला टूटा पड़ा मिला और सामान बिखरा पड़ा। अलमारी में रखा सोने का हार, 4 चूड़िया, अंगूठी, कानों के फूल, पायल, चांदी की करधनी सहित 45,500 नकदी रुपए अज्ञात चोर ले गए। पुलिस ने फरियादी की सूचना पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। तो जो आज आपके यहाँ पे चोरी हुई है, क्या कैसे क्या हो गया? अरे हम 11 बजे तक खाना खाया, खाना खा के ऊपर 12 बजे तक बैठा रहा हूँ और बैठ के मैंने कि अब मच्छर सा खाने लगा तो मैं नीचे आ गया। नीचे आकर के मैं लेट गया तो मेरी नींद लग गई। नींद लगने के बाद में 4:17 का मुझे फोन लगाया। किसने फोन लगाया? जो पड़ोसियों ने। क्या कुछ कहा? भाई महाराज चोर इधर से भागती आ रहा है, मुझे को फोन आया है 100 नंबर वाले का, इधर से भागती हुए गए हैं तो एकदम ऊपर चढ़ के देखो छत पर कोई है तो नहीं। मैंने उठ करके और कुंडी निकाली तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अच्छा, आपकी उधर से बाहर से पहले ही कुंडी लगा दी थी? कुंडी लगा दी थी। तो इस कुंडी को नहीं निकली तो मैंने बाहर के दरवाजे से इस कुंडी को निकाल करके और बाहर गया। बाहर जाकर के मैंने देखा तो मेन गेट का ताला टूटा तो मैं अंदर गया। मैंने आवाज दी सब पड़ोसियों को तो भी आ गए इकट्ठे होकर के। कितना क्या नुकसान हुआ है आपका? बहुत सामान चला गया मेरा, 45,500 तो नगद रुपया था और सोने चांदी की, सोना एक हार था और 4 चूड़ी थी। एक तो थी। पुलिस को फिर आपने सूचना कितने बजे? 181 लगाई थी हमने हाल ही 4:70 पे, यानी 4:30 बजे हमने लगाया था तो 5:30 के करीब जो आए थे। तो रिपोर्ट वगैरह हो गई आपकी? रिपोर्ट FIR करवा दी मैंने।